दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों आयुर्वेद में हल्दी को सबसे बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक माना गया है, इसलिए यह स्किन, पेट और शरीर के कई रोगों में उपयोग की जाती है। हल्दी के पौधे से मिलने वाली इसकी गांठें ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी बहुत उपयोगी होते हैं। ये तो हुई बात हल्दी के गुणों की, इसी प्रकार दूध भी प्राकृतिक प्रतिजैविक है। यह शरीर के प्राकृतिक संक्रमण पर रोक लगा देता है। हल्दी व दूध दोनों ही गुणकारी हैं, लेकिन अगर इन्हें एक साथ मिलाकर लिया जाए तो इनके फायदे दो गुना हो जाते हैं। इन्हें एक साथ पीने से यह कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। हल्दी दूध के गुणों के कारण इसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन तथा प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सभी विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर हम बात करें हल्दी की तो हल्दी एक प्राकृतिक दर्द निवारक दवा है। हल्दी में कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं हल्दी दूध के फायदों के बारे में। नंबर एक, हड्डियों को पहुंचाता है फायदा। रोजाना हल्दी वाला दूध लेने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है, हड्डियां स्वस्थ और मजबूत होती हैं। यह ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को राहत पहुंचाता है। नंबर दो, गठिया दूर करने में है सहायक। हल्दी वाले दूध को गठिया के निदान और रियूमेटोइड गठिया के कारण सूजन के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। यह जोड़ों और पेशियों को लचीला बनाकर दर्द को कम करने में भी सहायक होता है। नंबर तीन, टॉक्सिन से दूर करता है। आयुर्वेद में हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल शोधन क्रिया में किया जाता है। यह खून से टॉक्सिन से दूर करता है और लीवर को साफ करता है। पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम देने के लिए इसका सेवन फायदेमंद है। नंबर चार, कीमोथेरेपी के बुरे प्रभाव को कम करते हैं। एक शोध के अनुसार हल्दी में मौजूद तत्व कैंसर कोशिकाओं से डीएनए के होने वाले नुकसान को रोकते हैं और कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। नंबर पाँच, कान के दर्द में आराम मिलता है। हल्दी वाले दूध के सेवन से कान दर्द जैसी कई समस्याओं में भी आराम मिलता है। इससे शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है जिससे दर्द में तेजी से आराम होता है। नंबर छः, चेहरा चमकाने में मददगार। रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से चेहरा चमकने लगता है। रुई के फाये को हल्दी वाले दूध में भिगोकर इस दूध को चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा की लाली और चकते कम होंगे, साथ ही चेहरे पर निखार और चमक आएगी। नंबर सात, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी को ब्लड प्यूरीफायर माना गया है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत बनाता है। दोस्तों रक्त को पतला करने वाला और लिम्फ तंत्र और रक्त वाहिकाओं की गंदगी को साफ करने वाला होता है। नंबर आठ, मोटापा घटाए। रोजाना एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर लेने से शरीर सुडोल हो जाता है। दरअसल गुनगुने दूध के साथ हल्दी के सेवन से शरीर में जमा फैट्स घटता है। इसमें उपस्थित कैल्शियम और अन्य तत्व सेहतमंद तरीके से वेट लॉस में मददगार हैं। नंबर नौ, स्किन प्रॉब्लम्स में है रामबाण। हल्दी वाला दूध स्किन प्रॉब्लम्स में रामबाण का काम करता है। नंबर दस, लीवर को मजबूत बनाता है। हल्दी वाला दूध लीवर को मजबूत बनाता है। यह लीवर से संबंधित बीमारियों से शरीर की रक्षा करता है और लिम्फ तंत्र को साफ करता है। नंबर ग्यारह, अल्सर ठीक करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक होता है और आंत के स्वस्थ बनाने के साथ साथ पेट के अल्सर और कोलाइटिस का उपचार करता है। इससे पाचन बेहतर होता है और अल्सर, डायरिया और अपच नहीं होता है। नंबर बारह,
माहवारी में होने वाले दर्द से राहत देता है। हल्दी वाला दूध माहवारी में होने वाले दर्द में राहत देता है। नंबर 13, सर्दी खांसी में है रामबाण। हल्दी वाले दूध के एंटीबायोटिक गुण के कारण सर्दी खांसी में ये एक कारगर दवा का काम करता है। हल्दी वाला दूध मुक्त रेडिकल्स को लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत है। इससे कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। नंबर 14, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी को ब्लड प्यूरीफायर माना गया है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत बनाता है। यह रक्त को पतला करने वाला और लिम्प तंत्र और रक्त वाहिकाओं की गंदगी को साफ करने वाला होता है। नंबर 15, शरीर को सुडोल मजबूत बनाता है। रोज़ एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से हमारा शरीर सुडोल मजबूत हो जाएगा। दरअसल गुनगुने दूध के साथ हल्दी के सेवन से इसमें उपस्थित कैल्शियम और अन्य तत्व सेहतमंद तरीके से वजन को कम करने में मददगार हैं। सिर्फ 7 दिन दूध में हल्दी डालकर पीने से हमें शरीर में फ़र्क महसूस होने लगेगा। दोस्तों आइए जानते हैं हल्दी दूध के नुकसान के बारे में। नंबर 1, खून को पतला करने की दवाइयाँ। दोस्तों कई लोग ब्लड क्लोटिंग आदि को रोकने के लिए खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं। उनके लिए हल्दी हार्मफुल है। हल्दी वाला दूध तो बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी के दौरान लेने से मना किया जाता है। दोस्तों लार्ज अमाउंट में इसे लेने से यूट्रस स्टिम्युलेट हो जाता है, जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। नंबर 3, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम। एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम के अलावा पेट में अल्सर होने पर भी हल्दी वाला दूध नुकसान करता है। ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, गोल ब्लेडर स्टोन की प्रॉब्लम। जिन लोगों को गोल ब्लेडर स्टोन की प्रॉब्लम है उन्हें हल्दी और हल्दी वाला दूध अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।